दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं वर्लपूल स्टेनवाश टॉप लोड वॉशिंग मशीन में आने वाले डीई एरर के बारे में। ये डीई एरर कब आता है और क्यों आता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये मैं आज आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों ये डीई एरर तब आता है जब हम लोग वॉशिंग मशीन में से पानी को ड्रेन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जब पानी को ड्रेन करते हैं या पानी वॉश के बाद अपने आप ड्रेन होता है, तब एक निश्चित टाइम के अंदर वो पानी टब से पूरा बाहर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये डीई एरर आएगा। तो आपको मैं बताऊंगा ये कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका कारण क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में वही हम लोग देखेंगे। चलो हम लोग वीडियो चालू करते हैं। अगर दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भेजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश कर दूँगा। तो दोस्तों चलो हम लोग वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों ये वर्लपूल का स्टेनवाश टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर डीई एरर आते हैं। तो ये मशीन में डीई एरर क्यों आते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों डीई एरर तब आता है जब हम लोग वॉशिंग मशीन से पानी को ड्रेन करते हैं और वो पानी एक निश्चित टाइम के अंदर पूरी तरह से ड्रम से बाहर नहीं गया तो ये एरर आते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या क्या चेक करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों पहले आपको चेक करना है अपना ड्रेन पाइप को, क्योंकि अगर ड्रेन पाइप इधर दबा हुआ रहा तो पानी जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा तो इस एरर आ सकते हैं। अगर ड्रेन पाइप कहाँ भी दबा हुआ रहा तो आपको ड्रेन पाइप को सीधे करना है। अगर ड्रेन पाइप ओके रहा तो आपको आगे चेक करना है ड्रेन मोटर और उसका वायरिंग। तो ड्रेन मोटर और वायरिंग में कुछ खराबियाँ रहता तो वो चेंज कर लीजिए आप, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर वो भी अच्छा है तो आपको चेक करना है ड्रेन असेंबली। तो ड्रेन असेंबली के अंदर कॉइन या कुछ कचरा फंसा हुआ रहा तो भी पानी धीरे धीरे बाहर जाएगा तो भी ये एरर आ सकता है। तो आपको तो ड्रेन असेंबली क्लीन करना पड़ेगा तो ये प्रॉब्लम निकल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको वॉशिंग मशीन से डीई एरर को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। आज के लिए इतना ही, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।